आज ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल है और इसे लेकर राजधानी की रफ्तार जैसे थम सी गई है। खासतौर पर अगर बात करें रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की, जहां से घर अगर लोग पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो परेशान मुसाफिर हैं उनसे मनमाना किराया वसूल रहे हैं टैक्सी और ऑटो वाले, 5 गुना तक किराया वसूला जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इन ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को शिकायत है कि जो निजी कंपनियाँ हैं वो उनका धंधा चौपट कर रही है और सरकार किसी भी तरह से उन्हें मदद नहीं कर रही है। लोगों की परेशानी इस तरह से सामने आ रही है कि वो अपना सामान लेकर सड़कों पर ही खड़े हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें साधन नहीं मिल रहा घर तक और अपने गंतव्य तक पहुंचने का। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से दिल्ली की रफ्तार एक तरह से ऑटो और टैक्सी की हड़ताल से थम सी गई है। पंकज जैन हमारे संवाददाता, जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो कई तरह की परेशानियां सामने आई। यहां पर बिहार से एक परिवार आया था अपनी बेटी के इलाज के लिए, लेकिन ऑटो और टैक्सी नहीं मिलने की वजह से वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच सका। किस तरह से वो परिवार वहां पर अपनी परेशानी के साथ रेलवे स्टेशन पर ही तड़प तड़ा, आप खुद देखिए। राजधानी में आज टैक्सी और ऑटो यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम टैक्सी चालक अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जो यूनियन के बाकी लोग हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं दरवाजा खोल के गाड़ी का और चाबी निकालने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की जबरदस्ती देखने के लिए मिल रही है यूनियन की तरफ से। इनका लगातार इस बात को लेकर विरोध है कि दिल्ली सरकार इनकी मांगे नहीं सुन रही है और उसकी वजह से आज ये तमाम हड़तालें यहाँ पर हो रही हैं। ये बहस इस तरह की आप तस्वीरों में देख सकते हैं और ये बहस कहीं ना कहीं बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी परेशानी बन रही है, क्योंकि इसकी वजह से जो तमाम लोग दूर दूर से दिल्ली पहुंचे हैं, चाहे अब वो अपने काम के लिए और रिश्तेदार से मिलने के लिए पहुंचे हों, उन्हें टैक्सी या ऑटो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर कितनी तकलीफ इस हड़ताल की वजह से उन्हें हो रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं इलाज कराने के लिए और LNGP अस्पताल इनको जाना है। कहाँ से ये आए इनसे हम जानते हैं, कितनी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टैक्सी और ऑटो है नहीं, तो क्या आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही है ना, टेम्पो और टैक्सी का हड़ताल के वजह से एक दो घंटे से हम लोग यहाँ पर परेशान है, मिल ही नहीं रहा है ऑटो टेम्पो कुछ भी नहीं। पेशेंट है, अभी सीरियस है, ILBS में ले जाना है इनको, तो अभी ना ऑटो है ना टैक्सी है, कोई सुविधा नहीं है, अभी कैसे ले जाएंगे इसको? बाहर आप गए थे क्या, बाहर भी नहीं मिल पाया आपको साधन? बाहर भी नहीं मिल पाया साधन, कुछ भी नहीं, बाहर भी साधन नहीं मिला है। तो क्या लगता है इस तरह की हड़ताल जायज है क्योंकि आप एक इमरजेंसी में यहाँ पहुँचे? कहाँ से आए हैं? तो बिहार से आ रहे हैं हम। हाँ, बिहार से रेफर किया गया उस हॉस्पिटल में, अभी वहाँ जाना था, तो कोई सुविधा ही नहीं है, बहुत दूर देर से हम लोग घूम रहे हैं, परेशान हैं। कैसे, क्या हुआ है, क्या बीमारी? पर्सनली इनको लीवर का प्रॉब्लम है।